Hi guys, welcome back to my YouTube channel and thanks for watching my videos. और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा चैनल अभी ग्रो हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं. तो अभी हम लोगों ने सोचा आज कुछ शॉपिंग वगैरह कर ले. तो कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए? टेंजर आउटलेट जा रहे हैं. टेंजर आउटलेट जा रहे हैं, वहाँ पर क्या मतलब, क्या मतलब दूसरी जगह पर क्या फ़ायदा क्या उधर आउटलेट पर? वहाँ पर काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं और वहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं मोस्टली ब्रांड्स के, तो काफ़ी वैरायटी होती है एंड देयर ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस, सो यू कैन डू रीजनेबल शॉपिंग. क्या होता है वहाँ पर? वहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं मोस्टली ब्रांड्स के और काफ़ी अच्छी डील्स होती है वहाँ पर, तो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं. और फैक्ट्री आउटलेट होता है तो प्राइस भी अच्छे होते हैं, मतलब ना प्राइसेस डिस्काउंटेड होते हैं, फर्दर डिस्काउंटेड होते हैं, क्लियरेंस में भी सामान होता है, सेल भी होता है, क्लियरेंस पे भी उस पे भी फर्दर डिस्काउंट, जो ऑनलाइन भी नहीं होता मतलब ना. तो चलते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं, दिखाते हैं लोगों को क्या क्या डिस्काउंट किधर किधर चल रहा है. ओके लेट्स गो. तो भाई माजिद साहब जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम गाड़ी चलाओ, बट मैंने बोला नहीं मैं ब्रेक लूँगी. सही बात है, क्योंकि पूरा हफ्ता गाड़ी चलाने के बाद अपने मियाँ की ड्राइविंग भी तो थोड़ी इन्जॉय करनी बनती है. चाय बनाइए गर्मा गर्म, मज़ा आ रहा है यार. ये कैसे आ गया? चाय बड़ा डर लगता है गाड़ी में चाय पीने से, ये बहुत गर्म होती है और आराम आराम से पीना पड़ता है. बट आपको पीनी थी ना? तुम्हारी किधर है? मेरी इधर यहाँ पड़ी हुई है, मेरी ये रही. बहुत गर्म है तो मैं थोड़ा टाइम लेकर फिर पीऊंगी. क्या रीजन के आउटलेट मॉल जाने का यार, घर में बैठे हुए तो अमेज़न पर तुम पूरा दिन ऑर्डर करती रहती हो? नहीं भाई, आजकल सेल लगी हुई थी, मुझे देखना था और अब फाइनली शॉप्स खुल गई हैं. अच्छा, तो आई वांटेड टू गो एंड चेक देम आउट. सही, बहुत गर्म है चाहिए यार, थोड़ा वेट कर लो. सिग्नल भी खुल गया हमारा. आज मौसम भी बहुत जबरदस्त हो रहा है, बाहर घूमने जैसा है मौसम. गाड़ी के अंदर बैठ के अच्छा लग रहा है क्योंकि बट स्टिल ह्यूमिडिटी इतनी नहीं है, नॉर्मली बहुत ज्यादा होती है. आज बहुत लिमिटेड है और बहुत अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रही है ऑन एंड ऑफ. 86 फारेनहाइट, 87 फारेनहाइट हो गया अभी. एक तरफ बहुत ज्यादा सनी है और एक तरफ बहुत ज्यादा क्लाउडी है, तो एक तरफ बिल्कुल डार्क है और एक तरफ बिल्कुल लाइट ब्राइट स्काई है. दोनों डिफरेंस बहुत ऑब्वियस है स्काई में. यहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. लेकिन जबरदस्त जगह है, फुल नेचुरल चीजें यहाँ पर. अच्छा है. एक चीज मिस करते हैं हम लोग, कि देसी फूड. ओह यस, यहाँ पर हलाल और देसी, हलाल देसी फूड बहुत ना होने के बराबर ही कह लो, एक या दो ही रेस्टोरेंट्स है जो हलाल है और हम वहाँ जा के बहुत थक चुके हैं, तो हम प्रिपेयर करते हैं कि हम घर में ही कुछ अच्छा बनाएं. और अगर जाते भी हैं तो हम वेजी ऑप्शंस देखते हैं और फिर हर जगह वेजी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मतलब इतने मज़ेदार नहीं होते. और वेजी खा के बंदा थक जाता है. मैं तो मतलब डेली वेजी नहीं खा सकता, चिकन भी चाहिए होता है कभी कभार. बीफ की जैसे बिरयानी खाते थे हम लोग कैलिफोर्निया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर. वेजी ऑप्शंस पे बहुत लिमिटेड हो जाता है ना, इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं होती उसमें. अच्छा, कैलिफोर्निया के अंदर भी कितने, 8-10, 12-15 काफ़ी थे मतलब. हम लोग वहाँ रहते रहे फिर हमें पता चलती रही जितना आगे जाओ मतलब है, काफी है वहाँ पे. हाँ, लेकिन उधर भी बोर होना शुरू हो गया था हम लोग. नो, बट वहाँ पे मतलब ये था कि काफी जगहें थी जो हम हर हफ्ते हम लोग कोई नई जगह पे ही मोस्टली जा रहे थे. यहाँ ये वाला सिटी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पीसफुल भी है और बहुत ग्रीन है और मतलब इतना ज्यादा क्राउडेड भी नहीं है, नॉर्मल अच्छा है, सुकून वाला. वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सी है. रहने के लिए जगह बहुत ज़बरदस्त है और क्योंकि रेंट भी इधर रिजनेबल है और इनकम भी. बट अगर देसी है तो फिर अगर इसी तरह के स्टेट में रहना तो आई वुड प्रेफर नॉर्थ कैरोलिना, क्योंकि वहाँ पर उधर तो बहुत इंडियन थोड़ा सा वेल डेवलप मतलब देसी लोग हैं तो देसी ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं वहाँ पर. तो आप मतलब आपको वीकेंड्स पे थोड़ा सा बाहर खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, कभी आपको दिल ना चाहे खाना बनाने का तो आप चाय के मज़े ले रहे हैं. चाय तो जबरदस्त बनाई है तुमने यार, बेहतरीन. मैंने तो नहीं बनाई, तुमने बनाई है. जब भी तो अच्छी बनी है. ऐसी भी बात नहीं है बेटा. जब भी तो अच्छी बनी है. मेरी भी अच्छी बनती है.
बट मैं चाय की कोई इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, तो मैं जो है चाय मंडे टू फ्राइडे तो वैसे ही यार काम में इतना बिजी होते, चाय पे का चक्कर ही नहीं होता, कॉफी पी लेते मैकडॉनल्ड से लेके इधर से लेके स्टारबक्स से लेके और ऑफिस इधर कॉफी का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन संडे को और सैटरडे संडे को तो यार चाय का एक अलग ही मजा आता है यार, मतलब एक मतलब इसका इसके लिए नहीं पीना गया यार कि मुझे नींद आ रही है या फीलिंग लेजी, नहीं बस एक एक थोड़ा फीलिंग्स होती है, देसी टच चाहिए होता है कभी कभार ना। सही बात है इसके लिए यार। मैंने चाय कभी भी नहीं पी थी, बट मैंने चाय यहाँ आकर जब माजिद ने बनाना शुरू करी तो फिर मुझे जरा अच्छी लगी थी। यू मेरा पठान वाला स्टाइल है ना यार। बट आई ड्रिंक इट वेरी ऑप्शनली लाइक समटाइम्स वेरी रेयरली। अच्छा कोविड की वजह से कितना ट्रैफिक कम हो गया यार रोड्स पे, बट ये लोग काफी अच्छा प्रिकॉशन ले रहे हैं, काफी सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली फॉलो की जा रही है और अपने ऊपर है, मतलब इंसान अगर अपने आप को सही तरह रखे तो फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो हर शॉप के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ना मास्क इज मैंडेटरी और रिस्ट्रिक्शन भी है कि लिखा हुआ है हर दुकान के बाहर के 6 लोग अलाउ 8 लोग अलाउ है, लिमिटेड लोग अलाउड है फॉर द मी लाइक एट द टाइम बीइंग, रश नहीं है अंदर probably तो होगा नहीं, but आज Saturday is on I suppose कि थोड़ा बहुत होगा, वो भी तो बंद भी होने वाला है ना 5:44 एक घंटा बहुत है यार। I just want to check out few shops. तो किधर तुम्हें वैसे normal अभी कौन से वाली brand में जाना है? H&M जाना है। तो उधर क्या है खास कोई चीज आई हुई क्या? यार एक्चुअली वहां पे समर सेल लगी हुई है तो I just wanted to check it out. तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते यार, घर बैठे बैठे शीशा पी रहे तो मजा आ रहा था यार। आप अपने खुद से देखकर जो आप चीज लेते हो उसका ज्यादा आपको पता होता है, ऑनलाइन तो मैं हमेशा आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी राइट, ब्लंडर ही होता है मुझसे ऑनलाइन शॉपिंग। तो कुछ खाने पीने का मूड है सिर्फ शॉपिंग ही करना है सिर्फ? यार अभी तो जाना है ना पार्टी में, पार्टी वहां की दोस्त की बर्थडे है और मास की दोस्त कह लो या वहाँ की दोस्त कह लो, खैर वो हमारे नेबर्स भी हैं और वो हमारी काफी अच्छी फैमिली, हमारे काफी क्लोज हैं यहाँ पर, जब उसके गिफ्ट भी तो लेना है। ओह यस, तो बस उनकी बेटी की बर्थडे है तो बस हम ही इनवाइटेड हैं और कोई नहीं है, कोविड की वजह से हम लोग बहुत को लिमिटेड रखा हुआ है क्योंकि हम लोग आपस में मिलना जुलना है ही हमारा शुरू से, तो जो है वो हमारे साथ ही क्वारंटीन कर रही है। पहुँच गए मास्क, तो जब दुकान के अंदर जाता हूँ तो फिर लगा लेता हूँ, वो अंदर ही लगाता। सारे स्टोर्स हैं अपना जगह, बनाना खुल गया। अच्छा लास्ट टाइम आए थे कितने, लास्ट मंथ आए थे, कब आए थे? तो काफ़ी अच्छे बड़े शॉप से बंद ही पड़े हुए थे, अभी खुल गए तो सामने की भी है। नाइक ही पहले चलते हैं अंदर यार, फिर रश भी इतना नहीं है, इधर जो है ना 100 केसेस पर डे आ रहे थे जब से लॉकडाउन जो है ख़त्म हुआ, तो तकरीबन 2500 केसेस तक पहुंच गए थे, तो अब कल 1500 पर आए वापस, रिकवर हो रही आस्ते आस्ते, बस यार दुआ करो मसला ख़त्म हो फिर कोई मसला नहीं है। अंदर घुसने की माय गॉड थोड़ी देर बाद ही आते हैं, अभी होता है अंदर जाने का चक्कर होता है। लाइन लगी हुई है लोगों की, देख रहे हो बाहर खड़े हुए, चलो कैमरा बंद कर देता हूँ, हर स्टोर के बाद लाइन लगी हुई है। जो ब्रांड में ज़्यादा अच्छी सेल होगी ना उधर लोग ज़्यादा होते हैं तो लाइन लगी हुई होती है। सारे ब्रांड हैं यहाँ पर अच्छे अच्छे अभी बच्चों के झूले भी चालू हो गए वापस। हाँ अच्छा लास्ट टाइम आए थे तो बंद पड़ा हुआ था। नॉर्थ फेस पूरा बंद पड़ा हुआ है, चक्कर क्या है
ये राइट पर बंद पड़ा था पूरा। ओल्ड नेवी तो हर तरह मेरा बेस्ट है। ओल्ड याद है लास्ट टाइम जब इधर आए थे कितना रश था। $15 में जीन्स आई हुई। वैसे चलो देख लेते हैं अंदर क्या मसला है। आओ वो सामने वो एडिडास भाई है। एडिडास को क्या करना है? उस तरफ है, उस तरफ है। पहले वो देखते हैं यार। चलो नहीं चलो उधर ही चले जाओ। क्लियरेंस लगा हुआ 50% का 75%। ये राइट है। वो अच्छा ना आ गया। फिर उसके बाद यहां तो अंदर जाओ जल्दी यार। ये अंदर से वीडियो बना रहा हूँ H&H की। आई लव दिस कलेक्शन। मुझे इनका जबरदस्त कलेक्शन वाला पसंद है। ये समर कलेक्शन ये वाला आई लाइक इट। जबरदस्त मुझे ये पसंद आ रही है। लेट मी ट्राई। अगर अच्छी लगी तो मैं लेता हूँ। तो बीच वगैरह पर जाके पहने के लिए व्हाट्सअप क्या समझ में आया नहीं आया? अच्छा काफी ह्यूमिडिटी हो गई ना बहुत ज्यादा। इधर मौसम ऐसा है आज के सांस भी नहीं आ रहा मास्क लगा रहे तो मैंने मास्क उतार दिया है क्योंकि अभी लोग तो कोई है नहीं यहाँ पर खास। मतलब सामने से भी आता है तो मास्क लगा लेता हूँ। मैं मास्क पहन के रखता हूँ। सर मेरा जो कॉटन वाला था ना वो मैंने लॉन्ड्री में डाल दिया धोने में। चलो भाई शॉपिंग हो गई हमारी वापस जा रहे हैं। बहुत गर्मी भी है और हर दुकानों के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लाइनें कितनी लंबी लगी हुई है अंदर जाने के लिए। तो इसमें इतना मज़ा नहीं आता। मतलब टाइम भी वेस्ट होता है। ऑनलाइन ही ले ले। ऑनलाइन ले ले। हमने काफ़ी चीज़ें ले ली हमें जो चाहिए था। हाँ अभी फिलहाल हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमने चलो यार निकलते हैं। पार्टी में भी जाने दे। मास्क तो अब उतार दो मास्क। सोशल डिस्टेंस नहीं से तुम और मैं ही पार्किंग में जा रहे हैं। सांस भी नहीं आ रहा। हवा रुकी भी आज। मौसम बहुत अजीब सा हुआ है आज। इतना बुरा भी नहीं है बट नॉर्मली इससे भी बुरा होता है। हाँ। लेकिन है कि मास्क की वजह से बहुत ज्यादा हाँ। गर्मी लग रही है और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो यार फिर क्या मतलब वीडियो को एडिट करेंगे या लगाएंगे आप देखना। पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना। ओके बाय गाइस।